I'm Ivy and welcome to my channel. तो आज मैं लेकर आई हूँ easiest and cheapest way how to clean your brushes. आप कैसे wash कर सकते हैं अपने brushes घर पर, जिसके लिए आपको कोई fancy egg नहीं लेना पड़ेगा, कोई mat नहीं लेना पड़ेगा या फिर कोई liquid नहीं लेना पड़ेगा इसे wash करने के लिए. तो हम लोगों को wash करने चाहिए अपने brushes. अगर आप ज़्यादा makeup लगाते हैं brushes के साथ तो आपको इसे week में एक बार ज़रूर wash कर लेना चाहिए है. और अगर हम ये brushes नहीं साफ़ करते हैं तो क्या होता है, जो मेकअप का एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होता है वो नीचे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जो भी बच जाता है प्रोडक्ट. तो ये क्या करता है, प्रोडक्ट यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, उससे इन्फेक्शन होने का डर होता है और ब्रिसल्स टूटने का भी डर होता है. तो हम लोगों को क्लीन कर लेने चाहिए हैं ये ब्रशेस. तो आप देखिए, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ पहले लिक्विड कैसे बनाना है मेकअप ब्रश वॉश करने के लिए. तो मेरे हैं ये इतने ब्रशेस हैं, तो मैंने ले लिया है ये कुकिंग ऑयल है, 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल ले लिया है. आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं. नॉर्मली ऑयल हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जो भी मेकअप का जो भी है प्रोडक्ट इसमें है उसको ब्रेक हो सके. और हमें चाहिए होगा दूसरा, ये है डिश वॉशर, लिक्विड वॉशिंग के लिए है. लिक्विड जेल है वॉश करने के लिए अपने बर्तन. तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पे विम ले रही हूँ. तो हमें चाहिए होगा ये 1 टेबल स्पून इतने ब्रशेस के लिए. अगर आपके ज़्यादा ब्रशेस हैं तो आप ज़्यादा भी ये मिक्सचर बना सकते हैं, उसी वक्त बनाए मिक्सचर तो बहुत बढ़िया है. तो 1 टीस्पून के साथ हमें चाहिए है 1 टेबल स्पून ऑफ दिस लिक्विड. तो मिक्स कर लेते हैं पहले हम इसे. अंदर डाल दिया है 1 टेबल स्पून ऑफ लिक्विड जेल और अब मैंने इसे मिक्स कर लिया है. तो ऑयल और ये दोनों इक्वली मिक्स हो चुके हैं अच्छे से और ये आपका लिक्विड रेडी है. आपको पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे कोई भी लिक्विड लेने के लिए ब्रशेस वॉश करने के लिए. तो अब देखते हैं कि हमारे ब्रश एग का क्या ऑल्टरनेटिव है. तो ये है हमारे ब्रश एग का ऑल्टरनेटिव. आपको देख के याद आ गया होगा, ये हमारे किचन में बहुत ही ईजिली मिलता है. तो ये आता है सिर्फ 5 रुपये का और ब्रश एग आता है 300 to 1000 की रेंज में आ जाते हैं. नॉर्मली क्या होता है, ब्रश एग में टेक्सचर होने की वजह से वो हेल्प करता है ब्रशेस साफ करने के लिए. तो इसमें भी ये जो ये नेट है इसका बना हुआ है टेक्सचर जो हमारी हेल्प करेगा साफ करने के लिए. तो ये हैं दोनों चिप और अफोर्डेबल प्रोडक्ट हमारे ब्रशेस को क्लीन करने के लिए. तो चलिए अब वॉश कर लेते हैं अपने ब्रशेस. चाहें तो अपने सिंक के वहाँ भी रखकर वॉश कर सकते हैं. तो मैं ले आई हूँ बाउल्स, एक दोनों में पानी ले आई हूँ, साफ पानी. तो हम कैसे वॉश करते हैं ब्रशेस को, तो चलिए देख लेते हैं. पहले आपने करना है ब्रश को अच्छे से गीला ताकि आपका ये जो लिक्विड है उससे अच्छे से फोम बन सके. तो ये हमारा ब्रश हो गया है गीला. अब हमने थोड़ा सा लिक्विड लेना है, इसे ब्रश पे ले लेना है और अब हमारा जो ये ब्रश है एक बना हुआ है इसके ऊपर शुरू कर देना है हमने. ये नीचे रख लेते हैं ताकि जो कुछ गिरे ना पानी में. तो बस आपने बहुत ही हल्के हैंड से देखिए इसे घुमाना है. देखिए कैसे ब्रश का जो भी था मेकअप प्रोडक्ट सब निकल रहा है उसमें. बहुत ही हल्के हाथ से घुमाना है राउंड करते हुए सर्कल्स में और इसके साइड पे घुमाइए. देखिए निकलना शुरू हो गया है. अगर आप चाहें तो और लिक्विड भी ले सकते हैं, नहीं तो आप ये देख लीजिए. अब हम इसे पानी में डाल देंगे. रनिंग वाटर में डालना है तो आप रनिंग वाटर में भी डाल सकते हैं. ये देखिए कितना था इसके अंदर मेकअप का प्रोडक्ट जो निकल गया. बहुत ही हल्के हैंड से फिंगर और ये इंडेक्स फिंगर से, थंब और इंडेक्स फिंगर से हम इसे थोड़ा सा दबा लेंगे और ये देखिए आपके ब्रश क्लीन हो गया है. अगर आपको लगे कि अभी भी क्लीन नहीं हुआ है तो आप थोड़ा सा और लिक्विड ले लीजिए ब्रश पे और हम इसको फिर से इसके ऊपर घुमा लेंगे. एक बार रनिंग टैप के नीचे से निकाल लिया है ताकि जितना भी मेकअप प्रोडक्ट था, सोप था, सब निकल जाए. और अब देखिए ये बिल्कुल ही ब्रश क्लीन हो चुका है और ये अब सूखने के लिए हम लोग रख देंगे. एक बात का ध्यान रखिए, जब भी आप इसे रनिंग वाटर के नीचे हो, टैप के नीचे हो या अगर आप डिप भी कर रहे हो तो इतना ही पोर्शन डिप करें, ये पोर्शन ना डिप करें क्योंकि इसी से इसका ग्रिप बना हुआ होता है. और कभी कभी क्या होता है कि ये चीज़ लूज़न हो जाती है और फिर बहुत मुश्किल होता है आपको ब्रश को वापस इसके साथ ज्वाइन करना. तो आप ऐसे ही अपने सारे ब्रशेस धो सकते हैं.
के लिए एक टॉवल ले लेंगे। हमने टॉवल को ऐसे स्प्रेड कर लेना है और एक तरफ से फोल्ड कर लेना है, नीचे सिंगल रहे और ये थोड़ा सा ऊपर हो जाए ताकि इजीली हम ब्रशेस को इस तरह से रख सकें और जितना भी एक्स्ट्रा लिक्विड होगा वो नीचे निकल जाएगा। तो ऐसे अपने सारे ब्रशेस लगा दीजिए और जब ये सेमी ड्राई हो जाएं तब आप इन्हें एक बार टॉवल पर ही ऐसे थोड़ा सा प्रेशर देके इनको वापस इनकी शेप लेंगे, क्योंकि देखिए ये फैन ब्रश है तो ये गीला होने पे ये ऐसे हो जाता है, या फिर जो कॉन्टूरिंग ब्रश है वो भी थोड़ा सा शेप बदल लेता है ताकि इसकी शेप वापस आ सके। सेमी ड्राई होने पे हल्का सा हम इसके साथ करेंगे तब ये अपनी शेप वापस ले लेगा। बात करते हैं स्पॉट क्लीनिंग की। हमें वीक में करने चाहिए अपने ब्रशेस डीप क्लीन और ये है एक स्पॉट क्लीनिंग तरीका। आपको इसके लिए चाहिए होगा कॉटन, कोई भी सैनिटाइजर और हमारा ब्रश। तो इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसके ऊपर सैनिटाइजर लगा देंगे। आप देखिए मैंने थोड़ी ही क्वांटिटी ली है और फिर क्या करना है, इसमें ब्रश को विगल करना है। हर बहुत ही लाइट हैंड से हम लोग विगल करेंगे और क्या करेगा, ये जितना भी मेकअप प्रोडक्ट है जैसे इससे मैं आई शेडो लगाती हूँ तो वो सारा आई शेडो इससे इसमें आ जाएगा और ये बिल्कुल उसी वक्त रेडी हो जाएगा आपके यूज़ करने के लिए। बाकी ब्रश के ये हैंडल को क्लीन करने के लिए हमने क्या किया है, हैंड सैनिटाइजर इस पे लगा दिया है और अब हम इसके ऊपर रखेंगे और इसको विगल करते हुए हम इसको निकाल देंगे और अब हमारा ब्रश का बाकी पोर्शन भी क्लीन हो गया है। थे मेरे दो वेज, एक डीप क्लीनिंग करने के लिए और एक है स्पॉट क्लीनिंग करने के लिए। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय।